पिछले 24 घंटों के अंदर 12% से भी ज्यादा बिटकॉइन ने प्रॉफिट दिया है। 80% से भी ज्यादा जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट मिला है, और जो बिटकॉइन के बेयर्स हैं उनको $178 मिलियन का ऑलरेडी लॉस हो चुका है जब से BTC का प्राइस $34,000 को क्रॉस कर चुका है। आखिर एकदम इतना बड़ा विवाद कैसे आ गया मार्केट में, क्योंकि हम देख पा रहे हैं क्रिप्टो का जो फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स है वो भी अब ग्रीड में पहुंच चुका है, जो कि करंटली 67 के आसपास चल रहा है, और आज से 3-4 महीने पहले ये एक बार ग्रीड में गया था और अभी इसका जो ग्रीड है ये उससे भी ज्यादा है। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि डोमिनेंस BTC की 53% के आसपास पहुंच चुकी है मार्केट में। बहुत ही स्ट्रांगली BTC अभी सबको बीट कर रहे हैं। इसी के साथ मार्केट कैप $1.3 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, जो कि 1 ट्रिलियन के आसपास था, और काफी सारे ऑड कॉइंस हैं जो हम इस वीडियो में कवर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी दिख रहा है और मिलने भी वाला है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये आखिर BTC का प्राइस इतना ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि लगभग 3 से 4 अपडेट्स और सारी की सारी ETF को लेकर है, और ये US के ETF की बात नहीं हम करने वाले, लगभग 3-4 ETFs हैं जिनको अप्रूवल मिला है, जिनकी अपडेट आई है, जिसकी वजह से BTC अभी $35,000 से $40,000 को क्रॉस भी बहुत जल्द करने वाला है। तो वीडियो पूरा देखते रहना, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। इसी के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे मैं सारे अपडेट सबसे पहले डालता हूं, ताकि आप हमेशा टाइमली एक्शन लेकर एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर पाए। तो यहाँ पहले मैं आपको 3-4 अपडेट्स बता देता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहली अपडेट तो यह कि जो iShares बिटकॉइन ट्रस्ट है वो लिस्ट होने वाला है DTCC के ऊपर, डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर, जो कि नैस्डैक के ट्रेड्स को क्लियर करता है। तो यहाँ पे जो टिकर होगा यानी कि इसका नाम होगा IBTC के नाम से। तो आप यहाँ पे एक लिस्ट देख सकते हैं जिसमें IBTC है, iShares Bitcoin TRSHS के नाम से दिया गया है। तो ये सबसे पहली अपडेट थी जो आई, जिसकी वजह से एकदम से हमें एक अपडेट मिला कि अब BTC के ETFs को लिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे और क्लियरली आपको बताता हूँ कि iShares का जो स्पॉट बिटकॉइन ट्रस्ट है, इसकी लिस्टिंग की अपडेट लुक ऑन चेन के ऊपर भी आई थी, जो कि ट्विटर एक बहुत अच्छा हैंडल है। तो एक्चुअल में बात हो रही थी यहाँ पे SEC की, क्योंकि कभी भी कोई लिस्टिंग होती है ETF की तो उसमें सबसे बड़ा पंगा कौन डालता है, वो SEC डालता है। इस वक्त क्या है, SEC ने एक्सेप्ट किया कि वो अभी लिस्ट करेंगे और ट्रेड करेंगे ग्रे सेल के इथेरियम फ्यूचर ट्रस्ट को भी। तो एकदम से दो अच्छी अपडेट ये आई, एक तो iShares की और दूसरी आई ग्रे स्केल के इथेरियम फ्यूचर ट्रस्ट की, जिसकी वजह से हमने देखा BTC के प्राइस में इतना बड़ा मूव हमें देखने को मिला। लेकिन इससे भी बड़ी अपडेट ये है कि ये सब हुआ कैसे, यहाँ तक एक फाइनल सोल्यूशन निकला कैसे, क्योंकि ये तो बहुत समय से रुका हुआ था। तो एक्चुअल में क्या कि US का जो SEC और ग्रे स्केल का इनका डिस्प्यूट बहुत लंबे समय से चल रहा था, सिर्फ इसी चीज को लेकर कि ETF को अप्रूव किया जाए। तो जो DC सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स है, उन्होंने एक ऐसा रूल बनाया कि SEC को ये जो रिजेक्शन लगाएगी ETF के ऊपर, ये हटानी पड़ेगी, ये अवश्य रूप से हटानी ही पड़ेगी, और बिटकॉइन का जो स्पॉट ETF है इसको लिस्ट भी किया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में समझो कि ग्रे स्केल ने एप्लीकेशन ये लगाई थी कि जो GBTC है उसको स्पॉट ETF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन SEC ने पहले इसको मना किया हुआ था, लेकिन नई रूलिंग के अकॉर्डिंग अब इनको रिकंसिडर करना पड़ेगा कि ये ETF अप्रूव किया जाना चाहिए। तो लगभग $17 बिलियन का जो ग्रे स्केल BTC ट्रस्ट है, जिसको हम GBTC बोल सकते हैं, वो स्पॉट ETF में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अभी जो SEC है उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि उनको ग्रे स्केल की जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव करना ही पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ अभी और भी अच्छी अपडेट ये है कि ETF की एप्लीकेशन जो हैं वो काफ़ी सारी ऑलरेडी SEC के पास हैं, जिसमें ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, फ्रैंकलिन टेम्बल्टन है, यानी कि इनकी ETFs की एप्लीकेशन को भी इनको बहुत जल्द अप्रूव करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अभी बिटकॉइन को मेन स्ट्रीम के ऊपर ट्रेड किया जाएगा, चाहे वो ETFs के द्वारा ही क्यों ना किया जाए। अब जो लोग डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना चाहते क्रिप्टो करेंसी में या फिर BTC में, इथेरियम में, तो वो इस ट्रस्ट के द्वारा या फिर इस ETF के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, और इसमें उनको एसेट मैनेजर्स के द्वारा हैंडल किया हुआ ETF उसी से प्रॉफिट इनको मिलने वाला है। लेकिन हमेशा ये लगता है कि शायद यहीं तक प्रोसेस पूरा हुआ है। अब प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे भी बढ़ाकर बताया गया कि ये प्रोसेस और भी आगे ETF का बढ़ चुका है। जो सीनियर ETF एनालिस्ट हैं ब्लूमबर्ग के, उन्होंने ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर बताई है कि ETF की जो सीडिंग है वो चालू हो चुकी है। सीडिंग में क्या होता है कि इनिशियल फंडिंग ली जाती है बैंक्स के द्वारा या फिर ब्रोकर डीलर के द्वारा, यानी कि ETF शेयर्स को मार्केट में ओपन करने से पहले सीड फंडिंग करी जाती है। अब सीडिंग होने के बाद बहुत ही जल्द इसमें इन्वेस्टमेंट्स आने भी शुरू हो जाएंगी। अब अगर सीडिंग होगी तो ये फॉर श्योर है कि ये प्रोसेस सिर्फ लॉन्च होने की तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि ETF को लॉन्च किया जाएगा मार्केट में।
अब आपको बताया था कि यहाँ पे ETF की और भी ज्यादा न्यूज है। मैंने आपको 2 से 3 अपडेट्स ऑलरेडी बता दिए। चौथी ETF की अपडेट वो ये कि जो हांगकांग है वहां का CSOP बिटकॉइन फ्यूचर ETF जो है उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम पहुंच के $175 मिलियन तक, और ये हांगकांग के डॉलर्स हैं, तो इसमें क्या कि कैपिटल इनफ्लो हुआ है $138 मिलियन का, और ये आज तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है जो इतना बड़ा इन्फ्लो आया ETF में जैसे इसकी लिस्टिंग हुई। लेकिन इससे पहले की बात करें तो इसमें जो डेली टर्नओवर था वो $1 मिलियन से लेकर $2 मिलियन तक ही रहा है, यानी कि सबसे बड़ा $3 मिलियन में इसमें इन्वेस्टमेंट्स आई हैं या फिर इन्फ्लोज आए हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं। अभी सारी की सारी ETF की जो अपडेट्स आई हैं ये एक दिन के अंदर ही आई हैं, जिसकी वजह से BTC के प्राइस में फॉर श्योर इतना बड़ा मूव तो आना ही आना था। अब इसी के साथ थोड़ा और हम एनालिसिस करेंगे कि बिटकॉइन होल्डर्स जो अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, ऑलरेडी $35,000 के आसपास BTC पहुंच चुका है और पूरी श्योरिटी के $40,000 तक जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको एक मैं मैप दिखा रहा हूँ, इसमें ये चीज़ भी क्लियरली बताई गई है कि कैसे कैसे सेलिंग होने वाली है। जैसे कि $34,000 के आसपास थोड़ी बहुत सेलिंग होगी, उसके बाद जैसे ये प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा $35,000 के आसपास और भी ज़्यादा सेलिंग होने वाली है, फिर 36,000, फिर 37,000, फिर 38,000, यानी कि यहाँ पे थोड़ा डिपेंड उनके ऊपर भी करता है जो होल्डर्स रहने वाले हैं। अगर वो होल्डर्स होल्ड करते हैं तो प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर मूव होगा, वरना क्या है कि बीच में बार बार सेल ऑफ भी होगा। सेल ऑफ का मतलब यहाँ पे ये भी है कि मनी जो है बिटकॉइन से निकाला जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लोज आते रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन है ये इन्फ्लोज हैं और जो रेड है ये आउटफ्लोज हैं, अगर सिर्फ इन्फ्लोज ही आएंगे तो BTC फॉर श्योर और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा, $40,000 और भी आसान हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ अच्छी अपडेट एक और आई है कि MicroStrategy के जो बिटकॉइन की होल्डिंग्स हैं वो फिर से ग्रीन में हो चुकी है। हालांकि MicroStrategy लगातार रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ बाइंग्स करते रहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेगुलर बेसिस पर जहाँ पे भी डॉट डॉट दिख रहे हैं कि इन्होंने बाइंग करी है, और इनका जो करंट ROI 0% के आसपास पहुंच चुका है, $4 बिलियन इनके पास BTC है, और ये फॉर श्योर रेडी है कि जैसे ही नेक्स्ट बुल रन आएगा सबसे ज्यादा प्रॉफिट MicroStrategy को फॉर श्योर मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगला जो BTC का रेजिस्टेंस आने वाला है ये $38,400 के आसपास होगा, और उसके बाद होगा $47,300 के आसपास। तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें तब भी क्या है कि मार्केट में अगर फोमो सा क्रिएट हो जाता है, जैसे कि अभी इस वक्त फोमो चल रहा है, तो रेगुलर बेसिस पर बाइंग आने वाली BTC में, और प्राइस डेफिनेटली $40,000 बहुत ही आसानी से क्रॉस करने वाला है। तो काफ़ी सारी अपडेट्स इकट्ठी हो चुकी हैं, जैसे कि DTCC के ऊपर लिस्टिंग आई शेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट की, इसी के साथ अगर हम ब्लैक रॉक की बात करें या फिर MicroStrategy की बात करें, जो हांगकांग का ETF है उसकी बात करें, तो ये रेगुलर बेसिस पर एक ही दिन के अंदर इतनी सारी ETFs को लेकर ही न्यूज़ आई है। अब इसके बाद डिपेंड करता है SEC के ऊपर, क्योंकि वैसे तो उनको रिजेक्ट करने से मना कर दिया है कि SEC ETF की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि उल्टा उनको बाकी जो और भी ETFs हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्लैक रॉक के साथ जेनेसिस है या फिर फिडेलिटी है, तो उनकी ETFs को भी इनको अप्रूव करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि और भी ज़्यादा ट्रस्ट बनेगा पूरी दुनिया का बिटकॉइन के ऊपर, और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, एंड देन डेफिनेटली हम इसमें बहुत बड़ा मूव देख पाएंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपके साथ कुछ ऑड कॉइन्स की अपडेट्स शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि WRX की बहुत अच्छी अपडेट आई है, मीना कॉइन की बहुत अच्छी अपडेट आई है, इवन पेपे कॉइन की बहुत अच्छी अपडेट आई है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द कवर करने वाला हूँ, यानी कि 2-3 घंटे के अंदर नेक्स्ट वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो ये देखने के लिए धन्यवाद, और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर लो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं सारी अपडेट्स साथ के साथ डालता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।